चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस है वो ब्लाइंड के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। उसमें होता ही है कि आपने एयरलाइन की कैपिंग लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स एयरलाइन की आपने उसमें 2 लाख जमा, पहले आपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से ले लिया लाइसेंस, फिर आपने एयरलाइन के पास रखवाया डिपॉजिट 2 लाख का, ठीक है। आपके पास कस्टमर आ गया, जी मैंने इस्लामाबाद से जाना है मस्कत, ठीक है। आपने सिस्टम में चेक किया, फेयर आया 70,000, आपने कस्टमर से कहा भाई 75 की टिकट है। जब आपने वो टिकट इशू करनी है, आपके जो है ना इनके पास डिपॉजिट है, उसमें से 70 काट जाएगा, आपके पास 75 आ जाएगा, वो वापस आप डिपॉजिट रखवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नहीं भी चलता, वो डिपॉजिट आप वापस ले लेंगे, ये नहीं है कि माल ले लिया कहीं निकालना है। इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह अगर पीएसएफ भी चाहेगी कि इसमें कोर्स बनाया जाए, बल्कि बनाना चाहिए, ठीक है, कि ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट कैसे, उसमें उमरा पैकेजेस आ जाते हैं, हनीमून पैकेजेस आ जाते हैं, उसमें तो लोग ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नई नई शादी हुई, शौक शौक में जी मैंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड जाना है, टिकट कितने की है, उसने कहा जी 3 लाख की, आप नेट से चेक कर लें। अच्छा, वो जेन बनाने में 2 दिन लगते हैं, उतने में प्राइस आ जाती है 255 पे, वो बताता ही सारा 45,000 जेब में, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस इसमें ये नहीं है कि आपने कुछ देख के काम करना है, ये सारा अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपकी रिसर्च आती है, आपको एयरलाइन के रूट्स पता है, सारी चीज़ें वो आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी कर सकते हैं, परफ्यूम बना सकते हैं, तो ये भी सीख सकते हैं। फिर मैंने जो है प्रॉपर्टी डीलर का भी बिजनेस किया, उसमें ये होता है कि आपने अगर 2 करोड़ का घर बिकवाया और आपको 1% भी दोनों पार्टी से मिले, तो 4 लाख सीधा हो जाता है, और 1 माह में आप एक भी घर बकवा दें तो 4 लाख आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर आप अगर रेंट पे फ्लैट करवाते हैं, उसका 20,000 रेंट है, तो 10,000 आप उससे लेते हैं जिसका फ्लैट है, 10,000 आप टेनेंट से लेते हैं, आया 20,000, तो बैठे क्यों, जाके फ्लैट चढ़ाओ। तो ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है। आप उन्हें एज अ ब्लाइंड, आप क्योंकि हमें अल्लाह ने एक एडिशनल बेनिफिट दिया था, बचपन से हम डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। साइटेड बंदे को वो प्रॉब्लम आई भी नहीं होती, ठीक है, हम वो सोल्व कर रहे होते हैं। तो अगर ब्लाइंड बंदा थोड़ा सा उसे कोई कॉन्फिडेंस दे, वो बिजनेस में चला जाए, वो साइटेड बंदे से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करता है, अल्लाह ताला मदद करता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये रियल लाइफ में कुछ बनाया हुआ नहीं है। एक दफा मैं कस्टमर के पास, उसको मेरा वैसे यूएई में गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ और वहाँ पे अपने वेयर हाउस से फिर होल सेल में देता हूँ। अब देखिए, एक ब्लाइंड बंदा मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है, मेरे पास जो इंची टेप है वो टैक्टाइल है, बोलने वाला भी इंची टेप है और ब्रेल वाला भी है। अगर आपने साइज चेक करने हैं कि जो मैंने स्टिचिंग करवाई है वो ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें गाइड भी कर सकते हैं कि कटिंग कैसे करो, बाजू इतना होना चाहिए, आपकी शर्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आप अपने कटिंग मास्टर को बता सकते हैं। तो एक दफा मैं गारमेंट का सैंपल लेके गया, एक बहुत बड़ा उसका मॉल है आदमी का, मेरे पास एक दो बेडशीट्स भी थी, उसने कहा बाप ये बेडशीट्स मुझे चाहिए और ज्यादा क्वान्टिटी में चाहिए, तो इनको बेड लेके दे यार। जी, अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मुझे ना ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आपको दे देते हैं, लेकिन उसने कहा बाप तुम्हारे कपड़े की क्वालिटी ठीक है, तुम्हारा ना कलर भी ठीक। अब उसने कहा मुझे नहीं मालूम तुमको कैसे बताएगा, मैंने कहा हाँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, उसका लेकिन वो मुझे ऑर्डर देना चाहता था, उसके चाचू ने ना उसे फारसी में कुछ कहा, मुझे ऐसा लगा वो कह रहे हैं कि जो बंदा कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो तुम उसको क्यों ऑर्डर दे रहे हो। बनाया, उसने कहा ये टॉवल के कलर चाहिए और ये बेडशीट के कलर चाहिए, अरबाब आप बेडशीट दो, ठीक है। ऐसा भी अल्लाह ताला दिल देता है आपके कस्टमर को। वो माइक में सही आवाज नहीं आ रही जी। तो आप लोग इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जब निकलेंगे ना काम के लिए, तो फिर अल्लाह ताला आपका साथ देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, पीएफएफ भी अगर चाहे कि कोई ट्रेनिंग्स वगैरह बनानी है, फॉर एग्जांपल कुछ स्किल्स बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर का जब मैंने बिजनेस किया था, मैं एक्सेल में रिकॉर्ड्स रखता था कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। और अभी भी मैं अपने स्टॉक का, मसलन मेरे पास फैब्रिक कितना पड़ा है, प्रोडक्शन में कितना है, तैयार माल कितना है, शिपमेंट में कितना है, वेयर हाउस में कितना पड़ा है, ये सारी चीजें एक्सेल में आप इजीली कर सकते हैं। ये जो रिसोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी एक्सेल की बेस पे ही होते हैं।
अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेल तो एक्सेसिबल है, इसमें शीट्स को जोड़ के हम अपनी डिजायर्ड डेटाबेस, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स लेने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बोर नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है